नमस्कार, मैं तापुषी। आज हम बेल का शरबत बनाएंगे। बेल को अच्छा से तोड़ लेना है, उसके बाद इससे शरबत बनाएंगे। बेल का शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ 4-5 चम्मच चीनी लिए हैं और आधा चम्मच नमक लिए हैं और ठंडा पानी है, 2-3 ग्लास पानी डालना है। ये बेल का शरबत गर्मियों में पीना बहुत ही लाभदायक होता है, शरीर को ये ठंडक रखता है और बेल खाना बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो आज हम बेल का शरबत बनाते हैं। देखिए, हमने बेल को इस तरह से तोड़ लिया, अब चम्मच से इस तरह से इसको निकालना है, थोड़े थोड़े करके सारी बेल को निकालना है। देखिए, इस तरह से चम्मच से अच्छा से निकाल लेना है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, 1 ग्लास पानी डालना है। फिर इसको अच्छा से पानी में मसलना है। देखिए, इस तरह से अच्छा से मसलना है ताकि इसका जो बीजा है सब निकल जाए अच्छा से। और 1 ग्लास पानी डालेंगे, इसको पतला बनाना है। देखिए, अब इस तरह से बेल का जो बीजा और अन्य सभी ये इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से अच्छा से ये सब निकाल लेना है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और नमक भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छा से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं और इसको अच्छा से मिलाएंगे ताकि चीनी और नमक इसमें अच्छा से घुल जाए। इस तरह से शरबत को बनाना है। अच्छा से चीनी और नमक को घोल लेना है। देखिए, हमारा शरबत तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा छान लेना लेंगे। देखिए, किसी बर्तन के ऊपर इस तरह का छन्नी रखेंगे और हम शरबत को छान लेंगे ताकि इसमें बीजा और अन्य सभी निकल जाए। इसको अच्छा से इस तरह से बनाना है। देखिए, हमने छान लिए। इस तरह से हमारा शरबत तैयार है। अब हम इसको फ्रिज में 5 मिनट रखने के बाद सर्व करेंगे। देखिए, हमारा बेल का शरबत तैयार है और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बर्फ भी डाल सकते हैं। यहाँ और ठंडा चाहिए तो 1-2 टुकड़ा बर्फ आप डाल सकते हैं। इस तरह से बेल का शरबत आप भी बनाइए, पिए और
अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।